अब वापस क्यों आ गए? तुम्हारे मुंह नहीं लगता ना तो निकल जाता चुपचाप। यही सड़ना पड़ेगा मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी भोली क्यों बन रही हो? जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने जा रहा ऐसे ही सोता हूं मैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो। और हाँ, चाहते हो आवाज मत करना वरना दादी तुम्हें अंदर भेज देंगी, जिस तरह उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। लकी यू। दादी के सामने से कैसे जाऊं? और अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकती, लेकिन लेकिन करूं क्या? तुम्हारी शादी एक रॉकस्टार से हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। डोंट टच मी। मुझे कोई शौक नहीं आपको टच करने का। मैं बस वक्त क्या लेने आई थी। दैट्स माय फेवरेट पिलो। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा वो बता दिया, इस तकिए पे मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मेरी फेवरेट चीज़ को फेंकना मत, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। मैं जा रही हूँ बालकनी में सोने के लिए। ना आदत डाल लो। के बाद पहली रात कैसी थी? अरे यार तू शर्मा क्यों रही है? I'm sure जीजू ने तुझे कोई गिफ्ट दिया होगा। I'm sure उन्होंने तेरे लिए हैप्पी लव वाला सॉन्ग गाया होगा, वो रोमांटिक वाला। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी while I'm gonna go out and have a ball। पता नहीं क्या लगा कर आई थी। परफ्यूम तो हो नहीं सकती क्योंकि परफ्यूम का पी भी पता नहीं होगा उसे। फिर ये एलर्जी हुई कैसे? जरूर उस चश्मे से ही हुई होगी। एलर्जी नहीं है, जुकाम है। और उसका रीजन है ये सब जो आप चर रहे हैं ना वो। What do you mean by चर रहे हो? वक्त बेवक्त ये सब फालतू चीजें खाने को चरना ही कहते हैं। You, तुम अपना लेक्चर जाके कॉलेज में देना, समझे तुम? लेक्चर नहीं दे रही हूँ, नसीहत दे रही हूँ। आदतें सुधार लीजिए, लाइफ सुधर जाएगी। Hey, चश्मेश, stop touching my fridge। और मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? आपके लिए नहीं करे, अपने लिए करे। आप चीखना बंद करेंगे तभी जाके मैं चैन से सो पाऊंगी। तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगा मैं। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं जो आ गया हूं। ये लीजिए गर्म पानी पी लीजिए। देखा, छींके बंद हो गई ना। तुम्हारे हाथ से ठीक होने से अच्छा है कि मैं। क्यों बोलते हैं आप इतना? और कुछ ढंग का पहन के सोइए, नहीं तो वाकई जुकाम हो जाए। अब जरूरत पड़ी तो मैं खुद पी लूंगा, दोबारा आकर डराने की जरूरत नहीं है।
मॉर्निंग। तुम्हारा फोन। किसका है? पता नहीं, तुम्हारे घर से होगा किसी का। अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं छो गया तुम यहाँ पर आ गई। पता है कल रात को उस चश्मिश ने मुझे गर्म पानी दिया, उसका हाथ लगते ही वो गर्म पानी कड़वा हो गया। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरी शादी भी उसी चश्मिश से होनी थी। भेज दो उसे चिड़ियाघर यार, भेज दो उसे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाए। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, आप ठीक है? ठीक है ना, आप उठिए उठिए। हमें और कौन होगा? कोई बुरा सपना देखा आपने? बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक हो तुम। जैसी भी हो यही, थैंक्स टू यू। अगर चाहिए तो मुंह फेर के फिर से सो जाए। आपकी फोन की घंटी इरिटेट कर रही थी इसलिए उठाया आपको। लीजिए। हाय बेबी। अबे कहाँ हो तुम? मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हो, घर पे भी ट्राई किया वहां भी नहीं उठाया। बीवी के साथ हो क्या कहीं कल रात तुम दोनों के बीच कुछ? मेरे इतने बुरे दिन नहीं है। उसने मुझ पे चांस मारने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे अपने पास आने नहीं दिया। बालकनी में सोई थी रात भर। बट श्रीराज छोड़ो उसे, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं अभी। ऑलराइट? रॉबिन, रॉबिन, हे रॉबिन। यस सर। क्या कर रहा था तू? सर आपका नया गाना सुन रहा था, मस्त है सर। Then it's alright. और तुझे मालूम है कि मैं एक्सरसाइज के बाद कॉफी पीता हूँ? Where is my coffee? सर आज वो छोटी मालकिन आपके लिए कॉफी बना रही हैं इसलिए। Oh, you can go now. लाने दो उसे आज कॉफी। सब सिखाता हूँ। दादी ये कॉफी थोड़ी अजीब नहीं है? अजीब मतलब? मतलब कॉफी में दालचीनी पाउडर। ये अभी की स्पेशल कॉफी है, उसको ऐसी ही पसंद है। तू भी इसे बनाना सीख ले, क्योंकि अब से अभी का ध्यान तो तू ही रखने वाली है ना। ये कॉफी है, इट्स थर्ड क्लास एंड हॉरिबल। कभी कॉफी बनाई है तुमने? अरे इससे अच्छी कॉफी तो हमारे नुक्कड़ में मिलती है। पता नहीं दादी कॉफी क्यों नहीं बनाकर लाती है। दादी ने ये कॉफी बकवास है, हॉरिबल है। आज तक तुमने दादी के हाथ की बनाई हुई कॉफी को ऐसे नहीं बोला। दादी ये कॉफी आपने बनाई? टेस्ट से पता नहीं चला? ऑफ कोर्स दादी। दादी के हाथ की कॉफी की बड़ी तारीफ करता था और अब बहू के सामने बुराई कर रहा है। अरे नहीं नहीं दादी, ऑफ कोर्स आई नो ये कॉफी आपने बनाई है। दादी आपके हाथों का स्वाद है इस कॉफी में। कॉफी किसी ने भी बनाई हो लेकिन बहू से ऐसी बात क्यों की? दादी वो मैं, दादी हस्बैंड एंड वाइफ दादी, ये मस्ती मजाक चलना ही चाहिए। सुबह सुबह बहू को परेशान कर रहा था। नहीं दादी मैं जानबूझ के इसकी तारीफ नहीं कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इससे भी अच्छी कॉफी बनाए। And she'll beat you to it. Mark my words. दादी को उल्लू बना रहा है बेटा। क्यों दादी, आपके फोन में इंटरनेट है क्या? दादी मैं बस मजाक कर रहा था दादी। और तुम क्या मजाक पे हंस नहीं सकती? फालतू में दादी से डांट पड़वा दी। सॉरी दादी, आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। बस माफी मिल सकती है लेकिन एक शर्त है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलिए ना दादी, करना क्या है?
बहू के साथ उसके घर जाना होगा पग फिरे की रस्म के लिए। एक और रस्म? दादी अभी तो इतने सारे रस्म पूरे किए और नहीं मानेगा ना, ना काफी मिलेगी, ना माफी मिलेगी और ना ही दादी से बात करने की इजाजत मिलेगी। ठीक है दादी, ठीक है, मैं आपके लिए टॉर्चर भी सह लूंगा। क्या कहा? रस्मों को टॉर्चर कहता है? खबरदार। ठीक है, मरना कब है? क्या मीन करना कब है? पूछ जाना कब है। सेम थिंग दादी, जाना कब है? आज ही, अभी अभी।